और बड़ी खबर यह है कि पोलैंड मिसाइल अटैक पर दिमित्री मेदवेदेव का सनसनीखेज बयान सामने आया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है पश्चिम, रूस पर हमले का बहाना ढूंढ रहा है पश्चिम। पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं मेदवेदेव और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव इस वक्त रशियन सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन है। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध छेड़ रहे हैं। और आइए अब मेदवेदेव के बयान के चार हिस्सों और उनसे उनके सामने जो संकेत आ रहे हैं उन बयानों के बाद उसे हम आपको समझाते हैं। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मेदवेदेव जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो लाउड एंड क्लियर है, लेकिन मैसेज क्या क्लियर मिल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। क्या ये वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन है? पोलैंड की जमीन पर हमला बहुत ही गंभीर है, ये कहा है मेदवेदेव। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देव ने और इससे मैसेज क्लियर किया है कि मिसाइल हमले में रूस के हाथ से स्पष्ट इनकार, रूस ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि पोलैंड में हमने हमला नहीं किया है। दूसरा बयान क्या दिया गया मेदवेदेव की ओर से, वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है पश्चिम, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए मैसेज था, क्लियर मैसेज है कि बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत इस बयान के बाद सामने आ रहे हैं। अब तीसरी बड़ी बात क्या कही गई, पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध छेड़ रहे हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अटैक को उल्टे पश्चिम की साजिश बताया गया है, क्योंकि ये अटैक पोलैंड में रूस ने नहीं किया है, रूस ऐसा लगातार कह रहा है। रूस पर हमले का बहाना ढूंढ रहा है पश्चिम, मेदवेदेव ये भी कहते हैं। मैसेज क्या है इससे, रूस को विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है, लगातार ऐसा ही हो रहा है, यही आरोप रूस की ओर से लगाए जा रहे हैं। और मेदवेदेव जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी यही बड़ी बात की है। तो इनके तमाम बयानों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर साहब जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड एस डिनी सर हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे सहयोगी पोलैंड बॉर्डर से मनीष जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, पूर्व राष्ट्रपति है रूस के मेदवेदेव, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस वक्त पोलैंड में जो हमला हुआ है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पश्चिम है, पश्चिम चाहता है कि विश्व युद्ध हो और रूस के साथ वो सीधे सीधे भिड़े। इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर पोलैंड में हुए हमले के बाद? बिल्कुल अंजलि, देखिए पोलैंड बॉर्डर पर जब टीवी 9 की टीम यहां पर मौजूद है, खास करके उस जगह पर जिसे दुनिया कैलिनिनग्राद के नाम से जानती है, जो रूस का हिस्सा है, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराकर रूस को बतौर मुआवजा ये जगह मिली थी, और यहां पर रूस के ऐसे बहुत सारे सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं। ऐसे में जब रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन मेदवेदेव ये कहते हैं कि पश्चिम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब ये है कि रूस उस विश्व युद्ध का एक पक्ष बनने के लिए तैयार है, क्योंकि रूस को ये लगता है कि नाटो का जो मकसद है, नाटो जिस लक्ष्य के तहत यूक्रेन युद्ध को उकसाया उस लक्ष्य के तहत वो विश्व युद्ध तक जाएगा, और अगर वो जाएगा तो रूस तैयार है, और इसी तैयारी को हम लेनिन कैलिनिनग्राद में भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि मैं जहां पर हूं यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पोलैंड ने रूस बॉर्डर पर दीवार बनाना शुरू कर दिया था कुछ दिनों पहले, और अब ये मिसाइल हमला हुआ है। जरा सोचिए, नॉर्ड स्ट्रीम में धमाका हुआ तो कहा गया कि रूस ने हम किया है, उसी तरह से अभी कहा गया कि रूस ने मिसाइल हमले किए। अगर रूस को पोलैंड पर मिसाइल हमले करने थे तो फिर रूस किस डर से कहेगा कि मैंने नहीं किया है? तब तो वो कहता हाँ मैंने पोलैंड को सबक सिखाया, लेकिन रूस कह रहा है कि ये मिसाइल मेरा नहीं है, तो फिर किसका है? उसी का जिसने नॉर्ड स्ट्रीम में हमले करवाए थे। जी बिल्कुल, सवाल यही है मनीष कि अभी तक पुतिन को यह पता है कि नाटो कंट्री पर अगर हमला किया जाता है तो उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अभी तक वॉर तो यूक्रेन के खिलाफ चल रही, तो फिर बीच में पोलैंड कहां से आ गया? ज़ेलेंस्की की क्या ये साजिश भी हो सकती है? अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।